नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सामा टीवी पर दिए गए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात को कबूला है। उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि आर्टिकल 370 भारत का आंतरिक मामला है और उनका ये वीडियो ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। और इमरान खान के सरकार के लिए शाह महमूद कुरैशी का ये बयान बेइज्जती का कारण बनता जा रहा है। खुद पाकिस्तान के लोग भी अपनी सरकार के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडिया के लोग इस बात से खुश है कि पाकिस्तान को आखिरकार अंत में अकल आ ही गई। इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो के क्लिप का एक पार्ट आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि साल 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया था और उसके बाद से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटोरीज बना दिया गया था। फिर वहां के लोकल लीडर्स को नज़रबंद कर लिया गया। घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाया गया, जिसका नाम ऑपरेशन ऑल आउट रखा गया। जैसे जैसे हालात सुधरते गए, वैसे वैसे लोकल लीडर्स को एक एक करके छोड़ा गया और अभी हाल में ही 4G सर्विस को भी वहां रिस्टोर किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। जब से भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाया है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को लेकर हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कश्मीर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी रखता है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आर्टिकल 370 को भारत का इंटरनल मैटर बता दिया। उसके बाद से ये आर्टिकल 370 और 35A का मामला फिर से गर्म हो गया। आइए शाह महमूद कुरैशी के उस पूरे बयान को सुनते हैं। कि नहीं, 370 की पेशरफ के बगैर अभी इसके ऊपर नहीं चलता। देखिए, 370 मेरी नज़र में वो अहमियत नहीं रखता। तो अहमियत क्या रखता है? 35A 35A मेरी नज़र में जो हमारे लिए अहम आर्टिकल है उनके आइन का, वो आर्टिकल 35A है। क्योंकि 35A से वो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वहाँ जो इस्तेसाब किरायदेही का जो मौका मिलता है तो वो इम्बैलेंस वहाँ क्रिएट हो सकता है। तो उस पर हमारे तहफ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे। तो क्या कोई आपको इंश्योरेंस करवाएगी दूसरी जानब से? मैं स्वार्थकार की तरफ फिर वापस आता हूँ, लेकिन क्या आपको कोई इंश्योरेंस करवाएगी कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं? तो 370 को तो उसे रख देते हैं, 35A पे क्या करेंगे? देखिए, 370 तो उनका अंदरूनी है ना मसला, कि वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं आपने हमसे वादा किया था, आपने हमारा तशख्स मिटा दिया। तो वो उनकी अपनी वहाँ के उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनका इजहार भी किया और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मसला अभी भी जेर इल्तवा है और लोगों ने इसको चैलेंज किया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।